गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड का वीडियो नंबर 4 लेके चलेंगे और इसमें हम लेसन 3 लेंगे इंग्लिश मेन का लेसन 3 व्हाट अ बर्ड थॉट। क्या नाम है इस चैप्टर का? व्हाट अ बर्ड थॉट। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मेन का चैप्टर है ये और लेसन 3 1 और 2 ले चुके हैं वीडियो नंबर 1 और 2 में और 2 और 3 में वीडियो 1 में लेसन 1 ग्रामर का लिया था। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ड मीन्स होता है चिड़िया पक्षी, तो क्या सोचता है? ठीक है, बर्ड मीन्स चिड़िया होती है ज्यादा। थॉट मीन्स होता है विचार। क्या होता है? थॉट मीन्स होता है विचार। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्पेलिंग्स को बोलना रीडिंग करने से आएगा। स्पेलिंग्स को अगर अच्छे से बोलना है तो आप रीडिंग करिए, आपको बोलना आ जाएगा। ये थॉट है। थॉट के बाद जैसे ये OUGST वाले हैं, DROUGST, इसको ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ जाता है, जब पानी नहीं बरसता तब ड्रॉट, DROUGST। तीसरा ले लो ब्रॉट, BROUGST, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, खाली ब्रिंग मीन्स लाना और ब्रॉट मीन्स लाए। फोर्थ, इसी तरीके से TAUGST, टॉट, टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाया। अगला है, आप कुछ भी ले सकते हो AUGH वाला, ठीक है ना, जैसे COUGH, इसको कफ कहते हैं। कफ आता है ना बेटा, ये कफ कौन सा? जब खांसते हैं हम तब कफ आता है हमको, खराब खकार टाइप की, उसको हम कफ को कफ कहते हैं, ठीक है ना, चेस्ट वाला कफ। तो ये मतलब ज्यादातर आपको OUGH वाले शब्द देंगे। कौन से हैं? OUGH, 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 TAUGST हो गया, ये AUGH हो गया, ये OUGH हो गया, ठीक है ना। तो अगला अगर OUGH वाला और लेना है तो PLOUGH, प्लाफ, इसको प्लाफ करते हैं कट। तो ये सारी चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। अब इसके आगे हम चैप्टर्स जो पढ़ेंगे वो बुक से पढ़ेंगे। ये पोयम है, ठीक है, बर्ड जो है उसके क्या क्या विचार थे, वो क्या क्या सोचती है, ये सारा इस चैप्टर में दिया गया है और चैप्टर की हम एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव टू रीड फ्रॉम द बुक। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है व्हाट अ बर्ड थॉट। Enjoy this poem. I lived first in a little house. मैं सबसे पहले एक छोटे से घर में रहती थी and lived there very well. और मैं बहुत अच्छे से रहती थी वहाँ पर। The world to me was small and round. जो दुनिया थी, वर्ल्ड था मेरे लिए, वो बहुत छोटा और गोल था, यानी वो अंडे में रहती थी, ये याद रखना। And made of pale blue shell. और उसमें कैसा हल्का ब्लू, उसमें मतलब चारों तरफ रहता था, अंडे के अंदर रहता है ना पीला पीला वो। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला है। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, नॉर नीडेड एनी अदर, और कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मतलब ये सोचती है कि जो दुनिया बनी हुई है वो पूरी काई की बनी हुई है, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब ज़्यादातर भूसा टाइप रहता है पतला, क्योंकि जब ये घोंसले में रहती थी तो ये यही सोचती थी कि पूरी दुनिया ऐसी ही बनी हुई है। एंड कवर्ड बाई माई मदर, और ये मेरी मम्मी से कवर है पूरा। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट। फ्लटर्ड का मतलब जानते हो बेटा, उससे बाहर निकली थोड़ी सी, देखा उसने इधर उधर, टू सी व्हाट कुड आई फाइंड,
तो मैंने देखा तो मैंने क्या पाया, आई सेड, मैंने कहा द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। देखिएगा जब वो उसमें अंदर थी तब वो सोचती थी कि पूरी दुनिया मतलब घास फूस से बनी हुई है, स्ट्रॉ से, मिट्टी वगैरह का जो आता है उसमें। और जब मैं उससे बाहर निकली तो मैंने देखा कि द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, जो संसार है वो कैसे बना है, पत्तियों से बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब मैं बहुत अंधी टाइप में थी। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्रीज। देखिएगा ये वाला जो पैराग्राफ था, ये वाला जो पैरा था वो इसमें से था, स्टेंजा बोलते हैं सॉरी पोएम को, पोएम के पैर उसको, इस ये इसमें से था, ये इसमें से है और ये इसमें से है। सो उसमें से मैंने देखा इधर उधर, तब मैंने ये पाया कि जो दुनिया बनी हुई है वो पत्तों से बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं बहुत मुझे मतलब कुछ पता नहीं था, अंधी थी, दुनिया नहीं देखी थी मैंने, तो वो अपने आप को बता रही है। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्रीज, आखिरी में मैं पेड़ों के उधर गई, पेड़ों के पास। एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, मैंने देखा कि जो स्काई है, आसमान है, वो कैसा है, लीला है। देखिए लीले आसमान भी दिख रहे हैं। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, और देखिए हकीकत में दुनिया कैसी बनी हुई है। आई कैन नॉट टेल कैन यू, मीन्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो यही है, देखिएगा इसके ही बारे में है पूरा, और कुछ नहीं है। इसकी PDF आपको सेंड की जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स की भी। अब इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये चिड़िया के ऊपर है, आप अच्छे से पढ़ें, मैं एक बार और रीड करके बता देता हूँ। इन्जॉय दिस पोएम। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाई माई मदर। वन डे आई फ्लडर फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट कुड आई फाइंड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। एट लास्ट आई फ्ल्यू बियॉन्ड द ट्रीज एंड सॉ द स्काई सो ब्लू एंड हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, आई कैन नॉट टेल कैन यू। ये सारा इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ये है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डिड द बेबी बर्ड फर्स्ट लिव, बेबी बर्ड जो है वो पहले कहाँ रहती थी। द बेबी बर्ड फर्स्ट लिव इन द एग शेल, वो पहले एग यानी अंडे के अंदर रहती थी। वेयर डिड द बेबी बर्ड नेक्स्ट लिव, फिर कहाँ रही वो, फिर रही वो नेस्ट यानी घोंसले में। एंड वॉट डिड द बेबी बर्ड डू एट लास्ट, और उसमें लास्ट में क्या किया, वो आसमान में उड़ गई। ये हुआ इसके बाद भी। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स। शेल्टर ऑफ अ बर्ड, यानी जहाँ चिड़िया रहती थी उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेस्ट बोलते हैं, घोंसला। वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसे कहते हैं ब्लाइंड। ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसे कहते हैं लीव्स। ऑपोजिट ऑफ बिग का क्या होता है, लिटिल। ऐसा पोएम में दिए हैं सारे वर्ड, उन्हीं में से छांट के लिखना था। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन फिल करना है। मैरी हैज़ अ क्यूट पैट रैबिट, तो इसमें ए आया है। जॉन हैज़ एन एंगूरा गूट। किम हैज़ अ करली पॉडल। बट आई हैव अ बिग वाइट रैट। मैरी फील्ड्स अ रैबिट एन एप्पल अ डे। जॉन गिव्स हिज कैट अ फिश। किम बाइज हर पूडल एन आइसक्रीम। बट माई रैट लाइक्स अ कुकी इन हिज डिश। तो ये ए और एन दे रखे हैं आपकी पोएम में, फिलअप्स है ये, ठीक है, इसको आर्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आई लिव इन अपार्टमेंट, उसी का ये अगला भाग है, सेकेंड पार्ट। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, वॉवल से पहले तो आते हैं एन, ए एन, लेकिन बेटा वॉवल्स अक्षर के पहले नहीं, वॉवल की साउंड से पहले, वॉवल की साउंड से पहले आते हैं। जॉन लिव्स इन अ हाउस, यहाँ एच साइलेंट नहीं होगा बेटा। एन एस्किमो लिव्स इन एन इग्लू, बट अ होल इज द होम फॉर अ माउस। अगला क्या है, नेस्ट का रेस्ट, टेस्ट, पेस्ट, वेस्ट,
बेस्ट, चेस्ट, ये है सारा। रेन का क्या होगा? गेन, ट्रेन, पेन, प्लेन, ब्रेन, लेन, ये वर्ड्स दिए गए, इनको पढ़िए। एल ओ सी के लॉक, डी ओ सी के डॉक, एच एस ओ सी के शॉक, आर ओ सी के रॉक, एफ एल ओ सी के फ्लॉक, बी एल ओ सी के ब्लॉक, ठीक है ना, एस ओ सी के शॉक। इस तरीके से क्राउन का क्या होगा? फ्राउन, टाउन, डाउन, गाउन, ब्राउन, ड्राउन। अगला है फ्लेम, सेम, गेम, नेम, टेम, शेम, केम, लेम, सब ऐसे बन जाते हैं, ए एम ई वाले हैं, रेड करके दे दिए गए हैं। इनको कहते हैं फोनिक्स वर्ड, लेकिन राइमिंग वर्ड्स बनाने थे, यानी राइमिंग वर्ड्स का मतलब ये है उनकी आवाज़ एक जैसी निकलनी चाहिए। गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लीफ का क्या होगा? लीव्स। शेल्फ का शेल्व्स। एल्फ का एल्व्स। वॉल्फ का वॉल्व्स। थीफ का थीव्स। काल्फ का काल्व्स, ठीक है, लोफ का लोब्स, हाफ का हाफ्स। तो ये सारे बनाने हैं। इधर क्या देखा है? ग्रामर हेल्प है। नाउन दैट एंड इन एफ, जो नाउन एफ से ख़त्म होते हैं, मेक देयर प्लूरल बाई चेंजिंग एफ टू वी एंड एडिंग ई एस। मतलब जिन नाउन के लास्ट में एफ आता है, यानी एल ई ए एफ, तो एफ हटता है उसकी जगह तो वी लगता है, और ई एस उसमें एक्स्ट्रा एड किया जाता है। ये नाउन से प्रोनाउन बनाने का एक नियम है, ठीक है बेटा। अगला ये है आपका, राइट वन वर्ड दैट बिलोंग्स टू ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जैसे नेस्ट, डैन, स्टेबल, शट। अब ये पक्षियों के रहने की जगह है, तो लास्ट में सी डबल ओ पी आ गया, फिर ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, वाइट, ये कलर नेम हो गए। रोज, लिली, डेजी, पेंसी, तो लोटस, वो फूलों का नाम। टाइगर, बियर, लॉयन, एलिफेंट, तो ये रिटार्टेड, रिटार्डेड। इस तरीके से अलग अलग हुए गए हैं। अगला स्पीकिंग स्किल है ये, इसको बोल के आपको करना है, रीड करना और पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। ये राइटिंग स्किल है, इनको भी आप पढ़ सकते हो, करना तो नहीं, लेकिन यहाँ तक एक्सरसाइज पूरी करनी है, सी तक। राइट वन मोर वर्ड दैट बिलोंग्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यहाँ तक, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक दी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश मेन और इंग्लिश ग्रामर, दोनों में से किसी एक का एक न्यू चैप्टर ले लूँगा मैं। थैंक यू बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।